हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा स्वागत है जी साडी YouTube चैनल हरीका जॉब अलर्ट ते। दोस्तों, जेकर तुसी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दबा लो हर नवी अपडेट दे लई। दोस्तों, PPSC वालों नवी अपडेट निकल के आई है। PPSC वालों दोस्तों एक पोस्ट आई है प्रिंसीपल दी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI प्रिंसीपल दी, तुसी पोस्ट कह सकदे हो वुमेन दी, ते वुमेन ITI दी फॉर द इंस्टीट्यूट्स रनिंग नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। जेडे इंस्टीट्यूट्स दे विच नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स ने, ग्रुप बी दी यह भर्ती है। डिपार्टमेंट ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे विच यह रखे जाने हैं। तो पूरी डिटेल्स है जानकारी दे देवे दोस्तों। ये जी पोस्ट है जनरल कैटेगरी की, यह पोस्ट है। उस तो बाद जी इनिशियल सैलरी है 35,400 रुपया इनिशियल सैलरी तुम्हें मिलनी है ड्यूरिंग प्रोबेशन। 3 साल का प्रोबेशन पीरियड है। असेंशियल क्वालिफिकेशन दे विच BSc होम साइंस तुसी कीती होवे, या फिर BSc कीती होवे, या फिर BA BEd कीती होवे, ठीक है, ये क्वालिफिकेशन आ। नैशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन वन ऑफ द नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स, ठीक है, NTC सर्टिफिकेट तुहाडे कोल होवे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स दे विच, किसी भी एक इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का। तो एटलीस्ट 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तुहानू होना चाहिए इन एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर द फैक्टरीज एक्ट 1948 और 3 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट और रिकगनाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है जी। या तो 3 साल का तुहाडे कोल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होवे रजिस्टर्ड अंडर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है फैक्टरीज एक्ट 1948 के अंडर, या फिर 3 साल का तुहाडा टीचिंग का एक्सपीरियंस होवे किसी भी गवर्नमेंट या फिर रिकगनाइज इंस्टीट्यूट तो, ठीक है। क्वालिफिकेशन मैं तुहानू एक बार दोबारा फिर दस दिना कि या तुसी BSc होम साइंस की होवे, या फिर ओनली BSc की होवे, या फिर BA BEd की होवे। तो NTC का तुहानू दस ही दिता, 10वीं दे विच पंजाबी पास तुसी कीती होवे। क्वालिफिकेशन 5/8/22 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए आ। एज लिमिट 1/1/2022 तक 18 तो 37 साल चाहिए आ। SC BC लिए 42 साल तक की एज रिलैक्सेशन आ, 47 साल तक की PWD कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन रखी गई है। उस तो बाद पैटर्न एंड स्कीम ऑफ कंपीटेटिव एग्जामीनेशन की गल करिए, रिटन कंपीटेटिव एग्जाम होना, 120 क्वेश्चन आने, 480 मार्क्स के, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ये रिटन टेस्ट के आधार पर ही सिलेक्शन होएगी। 80 क्वेश्चन तुहानू जनरल नॉलेज करंट अफेयर चो आने हैं, 40 क्वेश्चन तुहानू लॉजिकल रीजनिंग मैंटल एबिलिटी चो आने हैं। तो 480 मार्क्स के टोटल है जी। MCQ फॉरमेट च आना, इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम आना, 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होएगा, नैगेटिव मार्किंग रखी गई है। उस तो अलावा ड्यूरेशन आ जी 2 घंटे की रखी गई है, ये सिलेबस दिता गया, सिलेबस भी मैं तुम्हें दिखाना अगे। तो इंपोर्टेंट डेट्स नोट कर लो, 5/8/2022 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, तो ऑनलाइन ही यदि फीस पेमेंट तुसी कर सकते हो 5/8/22 रात 12 बजे तक। उस तो बाद जी जे फीस की गल करिए, SC ST BC लिए 750 रुपया, एक सर्विसमैन 500, EWS PWD LDSM 500, जनरल स्पोर्ट्स के फ्रीडम फाइटर लिए 1500 रुपये फीस इन्हों वालों रखी गई है। तो ऑनलाइन फीस का मैं तुम्हें पहला भी पिछली वीडियो भी दसिया कि किदा तुसी पेमेंट करनी है, वो तुसी पेमेंट कर देनी है। तो नोटिफिकेशन तुहानू हे साडे टैलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टैलीग्राम चैनल जेकर ज्वाइन नहीं किया, लिंक उहदा डिस्क्रिप्शन दिता, ज्वाइन कर लो। उस तो बाद दोस्तों इहदा सिलेबस दिता गया, टॉपिक वाइज सिलेबस आ, ये तुसी सिलेबस प्रिपेयर करना एग्जाम के लिए, ठीक है। टॉपिक्स इहदे विच दस्से गए कि टॉपिक तुसी प्रिपेयर करने हैं, जिदा नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी स्पैशल जिक्र किया गया, क्योंकि प्रिंसीपल की यह पोस्ट है। तो बाकी अपडेट्स ही साडे नाल बने रहना, जुड़े रहना। तो 24 तरीक नूं अज तो लगभग एक दिन बाद प्रिंसीपल का स्कूल एजुकेशन प्रिंसीपल का एग्जाम हो जा रहा, तो जिहड़े जिहड़े भी एसपरेंट्स आ उन्होंने लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, तो वधिया परफॉर्म करो। तो बाकी अपडेट्स ही साडे नाल बने रहो, जुड़े रहो, चैनल सबसक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों, सत श्री अकाल।